यार बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ जितना काम हम लोगों ने किया है पूरे पेंडेमिक के थ्रू और करते ही रहते हैं. अभी रिसेंटली मैंने वाड़ा में एक यू नो गोरा ज़िले में आई हैव ओपन्ड अ स्मॉल लाइब्रेरी. आई एम वर्किंग विद पुण्यकर्मा फाउंडेशन. आई हैव ऑलवेज बिन विद देम सिंस द इंसेप्शन. और उन लोगों के साथ काम करते करते मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम जितना यू नो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सोशली हमारे आई स्पेशली वर्क फॉर यू नो अंडर प्रिविलेज्ड इन एंड अराउंड मुंबई. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से हम जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो यू नो इट इज़ वेरी गुड. क्योंकि अगर थोड़ा 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 करके भी अगर सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ना सो आई थिंक जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं अनएजुकेशन की या बिलो पॉवर्टी लाइन की आई थिंक दैट वी कैन ओवरकम वेरी इजीली. सो या कीप कंट्रीब्यूटिंग एंड कीप मेकिंग वर्ल्ड अ गुड प्लेस. सी अवार्ड्स नॉट ओनली एनकरेजेस यू टू डू गुड बट इट्स एन अप्रिसिएशन ऑल्सो. सब लोग अप्रिशिएट तो एक साथ नहीं कर सकते. सो अवार्ड इज़ अ वे टू अप्रिशिएट अ पर्सन एंड इट्स अ गुड थिंग. बींग अ पब्लिक फिगर इट्स माई ड्यूटी टू कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज आई कैन एज एन एंटरटेनर एंड एज अ सोशल पर्सन ऑल्सो. सो इट्स अ गुड फीलिंग एंड थैंक यू फॉर दिस अवार्ड. आई एम ग्लैड दैट दिस प्लेटफॉर्म हैज़ चोजन मी टू अवार्ड फॉर दिस. देखिए मदर टेरेसा अवार्ड ये जुड़ना ही मेरे नाम के साथ ये जुड़ना ही बहुत खुशी की बात है और ये फीलिंग आना ही कि आपको मदर टेरेसा अवार्ड मिल रहा है ये अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला क्योंकि मैं खुद भी एसोसिएटेड हूँ आस्था फाउंडेशन से. मैं खुद भी वही काम करती हूँ तो ये मिलना मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है. मैं पहले रोप फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहता हूँ. उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे अवार्ड देके उत्साहित किया जिससे मैं सोशल काम और ज़्यादा कर सकूँ. मैं 15 सालों से सोशल काम कर रहा हूँ. मैं फाउंडर मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि ये जो मदर टेरेसा अवार्ड है बहुत ही बड़ा अवार्ड है और मुझे ये जो दिया गया है वो इसके लिए मैं होप फाउंडेशन की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. धन्यवाद. मराठीत बोलायचं झालं तर मला खरंच खूप छान वाटतं आहे कारण माझ्या मुलीचं प्रोफाईल पाहून या लोकांनी मला हा अवॉर्ड दिला त्याबद्दल खरंच मनापासून खूप खूप धन्यवाद. माझी मुलगी लिटिल मिस एशिया आहे. मराठी ॲक्टर आहे ती. आत्तापर्यंत तिने भारतात आणि भारताबाहेर 50 फॅशन शोज केले. तिने लंडन किड्स फॅशन वीक त्यानंतर सिंगापूर दुबई अशा बऱ्याच ठिकाणी आपल्या भारताला रिप्रेझेंट केलेला आहे. वयाच्या 10व्या वर्षी ती आत्तापर्यंत 28 फॅशन शो विन आहे. इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी नॉमिनेटेड अँड टू गेट दिस अवॉर्ड. इट वॉज रिअली नाईस. वी हॅड सीन सो मेनी ऑफ बॉलिवूड ॲक्टर्स स्पेसिफिकली VIP सर हू वॉज हियर. ही वॉज एंटरटेनिंग सो मच. ड्यूरिंग द कोविड वी ऑल हॅड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लेम्स. वी हॅड फेस सो मच ऑफ इश्यूज. But still, after the finishing of pandemic, at the end of COVID, we can see what we had done, we are receiving this award. And I am very much grateful to Mr. Patel sir, who had nominated me and given this award. Thank you. Salaam, namaskar, shri akal, dosto. Dosto, Ray of Hope, jo foundation hai, usko main tahe dil se shukriya ada karna chahta hoon, ki ye in logo ka itna achha kaam hai, jo bhi needy people hai, जो भी जिनको भी ज़रूरत है जिस चीज़ की ये लोग वो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं. और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला. मुझे लीगल में ये एडवोकेट का अवार्ड मिला है. ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है. और मैं हाँ भगवान का दिया सब कुछ है. दौलत है, शौहरत है, अवार्ड है, बहुत कुछ है. चला मेरे को अभी घर लेने का और है. कितना अवार्ड है अभी कहाँ रखूँ मैं? पवन के घर पर रखूँगा मैं अभी. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ VIP और बहुत खुशी हुई मुझे आज यहाँ पर आकर क्योंकि एडवर्ड जब मैं उनसे मिला मैं और जो कहते हैं ना कि ये अवार्ड अपने आप में मायने रखता है. मदर टेरेसा मतलब सबसे बड़ा अवार्ड जिन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया है. अगर वो अवार्ड से हमें नवाजा जाता है तो हमारा भी कुछ ऐसा होता है कि हमें भी कुछ करना है समाज के लिए. तो थैंक यू सो मच पूरी टीम. और धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग इसी तरह से हम कलाकार को हम प्रोत्साहन करते रहे. हम अपने फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश कदम है, नासिक महाराष्ट्र से हूँ. मेरी जो कंपनी है प्रगति गृह उद्योग और प्रगति इंडस्ट्रीज़,
जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग है, हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। कोविड काल में भी हमने काफ़ी सारे लोगों को जो ये किया है, अन्नदान किया है। और दूसरी बात ये कि हम लोग जो भी कोविड काल में जिनके जॉब गए हैं, जॉबलेस है, नौकरी नहीं है, उन लोगों को जॉब देने का काम हमारी जो संस्था है वो पिछले 22 साल से करती आ रही है। हम लोग जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को हम लोग जॉब देते हैं, काम देते हैं, घर बैठे काम कर सकते हैं वो लोग। और दूसरी बात, जो अनाथ लोग हैं जिनको ठंडी के टाइम में कंबल बांटना है, या जैसे आश्रमशाला होती है, स्कूल होता है, तो उसमें नोटबुक्स देना, बुक्स बांटना, पेंसिल पेन ये सब देना। मदर टेरेसा को इस दुनिया में कोई नहीं, कौन नहीं जानता, ऐसा कोई नहीं जो उनको नहीं जानता है। और वो एक नोबल प्राइज़ विनर रही है, और एक जिन महान शख्सियत को नोबल प्राइज़ मिला हो उनके ही ट्रस्ट द्वारा मुझे अगर प्राइज़ मिलता है तो मैं इसे नोबल प्राइज़ ही समझूंगा। और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तो अमूमन अवार्ड मिलकर सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये अवार्ड मिलकर के और अच्छा लग रहा है। मुझे पुष्कर ओझा जी के बुलावे पे मैं आई हूँ, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं एक्चुअली बचपन से गाती हूँ, और 1991 से मुझे जो भी अवार्ड मिले सिर्फ सारे अवार्ड सिंगिंग के मिले हैं। मुझे खुद को पता नहीं चल रहा है कि इतना अच्छा मदर टेरेसा जी के नाम का अवार्ड मुझे मिल रहा है। और क्योंकि मेरा कोविड में एक मैसेज था कि इंसान ख़त्म हो सकता है, इंसानियत ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और पुष्कर जी ने मुझे, पता नहीं उन्हें जो भी मैं छोटा मोटा काम कर रही हूँ फॉर सीनियर सिटीजन्स, फॉर म्यूज़िक, एंड कोविड में मैंने जो छोटा मोटा हेल्प किया है, मैं जो बोलना नहीं चाहती हूँ मेरी हेल्प जो भी हुई है, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ उन्होंने बुलाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज ये अवार्ड मिलने के लिए मेरा नाम प्रोफेसर रेणुका बांगड़ है। मैं एक एडुकेशनिस्ट हूँ, पर्सनालिटी एनहांसमेंट कोच और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। तो मुझे ये अवार्ड से नवाजा है फॉर डूइंग अ सोशल कॉज इन द टाइम ऑफ कोविड्स, यानी मेंटल हेल्थ को रिलेटेड मैंने काफ़ी टीचर्स, स्टूडेंट्स और सोसाइटी के उन लोगों को जो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, मैंने उनका साथ दिया डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। तो जब हमें अवार्ड दिया जाता है तो नेचुरली अच्छा लगता है, जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं समाज के प्रति। जब ऐसे अवार्ड मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे और काम करने का मौका लगता है। और मदर टेरेसा अवार्ड, तो आपको पता है कि मदर टेरेसा एक ह्यूमैनिटी की मिसाल थी, सब गरीब लोगों को मदद करती थी, जितने भी लेप्रोसी वगैरह हैं उनके लिए मदद करती थी, मतलब पुअर पीपल को ऑलवेज। वो बाहर देश से आई थी और यहाँ पे इंडिया में उसने देखा ये सब चीज़ें, तो यहीं पे बस गई। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये अवार्ड इतना मायने रखता है, पूरी दुनिया में वो, मतलब उनको नोबल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो जब मुझे इस अवार्ड से मतलब सम्मानित किया गया तो मुझे बहुत। मेरा नाम एडवर्ड पलेरा है और रियो फोप का मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। जो आज आपने आयोजन किया था, जिस तरह से अवार्ड का, किस तरह आप देखते, आपको लगता था, आपको लगा कि जो भी सोशल वर्क किए उन्हें आपको मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए? क्योंकि देखो, ये अवार्ड जो जिन्होंने अच्छे काम किए, कार्य किए, उनको हमने बहुत मुश्किलों से शॉर्टलिस्ट किया है, क्योंकि जैसे इनको अवार्ड मिलेगा ये और काम करेंगे और उत्साहित होंगे, इसके लिए हमने उनका काम के लिए अवार्ड दिया। आपकी संस्था भी लगातार सोशल वर्क जो है वो करती आ रही है, किस तरह से आप वर्क करती है इस संस्था के माध्यम से जुड़कर, आपके आगे क्या कोशिश होती है कि किस तरह से आप इसी तरह सोशल वर्क से जुड़े हैं? ये एक्चुअली क्या है, हमारा संस्था आज से नहीं 15 साल से सोशल सर्विस में है, और हम लोग एडुकेशन, मेडिकल और इसके अलावा राशन वगैरह बहुत तो फैमिलीज को बांटते हैं। जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होगा हमारा संस्था पहुँच जाती है, जो हो सके हम लोग करते हैं। तो आज के इस अवार्ड को कितना सक्सेसफुली मानते हैं, जो आप चाहते थे वो एक अच्छा अवार्ड फंक्शन यहाँ पे संपन्न हो पाया? आई वुड लाइक टू थैंक शैलेश भाई फॉर गिविंग मी सपोर्ट, और ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए बहुत उन्होंने मदद किया है, और मेरी जो टीम है, बैक एंड टीम, विशाल वाघमारे, मेरा लड़का जो है रॉय, ज्योति सिंह,
इन्होंने भी बहुत सारे हेल्प करके ये प्रोग्राम को सक्सेस करवाया। मेरे दोस्त से मैंने प्रॉमिस किया था कि एक अवार्ड शो करेंगे, उसने मेरी बात रखते हुए बोला कि मदर टेरेसा अवार्ड शो करते हैं, और हमने एक महीना पहले आई थिंक सो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद हमने इसको काम को आगे बढ़ाया और आज आप सब लोगों के सामने नतीजे, आज आप लोगों को भी अवार्ड मिला है। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों को भी अवार्ड मिला, और ये मेरा भाई का क्या कहना है, बस मन में था करना, उसने कर लिया, तो मैं ये जो शेयर है ना मैं इसको देना चाहता हूँ कि इसने मुझे मौका दिया यहाँ पर स्टेज पे खड़ा रहने का, संभालना देना मतलब एक भरोसा होता है, और ये भरोसा मेरे भाई ने दिया, और आदमी तो लगता है मैंने भरोसा पूरा किया है। कुछ नीच होती है लेकिन भाई ये हम हो जाएगा आदमी तो बल। बाकी मैं सबको बोलना चाहता हूँ आइए सपोर्ट कीजिए योग संस्था को और साथ दीजिए, थैंक यू। देखिए क्या एलबर्ट का मेरा पर्सनल बात हुआ था कि हम ये अवार्ड देंगे तो हम सेलिब्रिटी को नहीं लाना चाहते थे, हम उन लोगों को देना चाहते थे जिन्होंने कोविड में काम किया था, और उसी तरह से हमने पुणे से बोलो, हमने सूरत से बोलो, हमने इनका मेल में चेक किया, भोपाल चेक किया, और उस हिसाब से हमने उनको बुला कर यहाँ पर मान सम्मान दिया। क्योंकि मदर टेरेसा एक बड़ा नाम है, नाम है मदर टेरेसा, तो हमने चाहते कि उनका जो नाम है ना वो बड़े लोगों में जाए, जो नीचे दर्जे लोगों ने काम किया है उनको मिलना चाहिए, और उनको मेरे भाई ने चुन चुन के तरस तरस के उनको दिया। देखिए मैं परेरा साहब से कुछ 10-15 दिन पहले मिला हूँ, तो उन्होंने कहा कि दिलीप जी का अवार्ड हो रहा है, अवार्ड तो यहाँ बहुत से होते रहते हैं, जैसे ही उन्होंने मदर टेरेसा नाम लिया कि भाई हम मदर टेरेसा के नाम से कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन लोगों ने कोविड में अपना काफ़ी योगदान दिया, मतलब समय दिया। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बगैर इलाज के अगर कुछ लोग बहुत ठीक हुए हैं तो इसी तरीके से ठीक हुए कि लोगों ने तहे दिल से उन लोगों की सेवाएं की, उनकी मदद की हर तरीके से, पैसे से लेके, शरीर से लेके, दवाइयों से लेके, तो ये अवार्ड उन लोगों को मिला जा रहा है। और मैं समझता हूं कि मदर टेरेसा एक नाम इतना प्यारा नाम है कि मदर का नाम लेती, टेरेसा का नाम लेती आधी बीमारी तो वैसे ही भाग जाती है, और जो ये अवार्ड इन्होंने शुरू किया है आई होप कि मतलब ये अवार्ड ऐसे ही बनाते रहें, आगे चलता रहे ये अवार्ड, और हम लोग सब इससे जुड़े, ना कि ये मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म वाले नहीं, और भी लोग इससे जुड़ने चाहिए और इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए।